हेलो दोस्तों, ऑर्थोपेडिक्स और खासकर एसीएल लिगामेंट की इन्फॉर्मेशन देने वाले चैनल से मैं डॉक्टर नवीन शर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इंडिया के हर कोने से लोग हमारे पास इन प्रॉब्लम्स के लिए आ रहे हैं। स्पेशली पुरुषों के साथ साथ महिलाओं को भी लिगामेंट की प्रॉब्लम होती है, लेकिन कई लोग सोचते हैं भाई महिलाओं को तो क्या जरूरत है, घर में ही उनको रहना होता है। लेकिन ऐसी बात नहीं होती, महिलाओं को भी दौड़ भाग करनी पड़ती है, और अगर वो जॉब करती हैं तो उन पर डबल ड्यूटी आ जाती है। तो ऐसे में लिगामेंट के इलाज को ज़्यादा देर लेट करना सही नहीं होता। आज मेरे साथ एक फाइटर मौजूद है जो कि यूपी पुलिस में कार्यरत है। आइए इनकी स्टोरी आपको शेयर करता हूँ। क्या नाम है आपका? मिथिलेश कुमारी जी, क्या दिक्कत हुई थी आप जिसके लिए आए थे? ये मेरे पैर का लिगामेंट टूट गया था। तो आप क्या काम करते हैं? पुलिस में जॉब करते हैं। तो आपको क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था? बहुत कुछ है, ना सीढ़ी चढ़ सकते हैं, ना उधर सकते हैं, ना बैठ सकते ज़्यादा देर, ना खड़े। कहाँ के रहने वाले हो आप यूपी में? यूपी इटावा। तो आपने वहीं इटावा में कहीं दिखाया था क्या? हाँ, इटावा में दिखाया था। मैं जॉब करती हूँ झांसी में, वहाँ भी दिखाया था। तो आपको क्या ओपिनियन मिल रही थी वहाँ पे? वहाँ हर लोग यही कह रहे थे इसका ऑपरेशन के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो आप ऑपरेशन का डिसीजन क्यों नहीं ले पा रहे थे? इसलिए कोई बेस्ट डॉक्टर नहीं मिल रहे थे। आपको मेरे बारे में जानकारी कैसे लगी? मैं आपके बारे में जानकारी यूट्यूब से और इंस्टाग्राम से। फिर तो आपको ऐसा नहीं लगा कि लोग गए हैं? अच्छा, कराके भी गए, संपर्क किया। क्योंकि सोशल मीडिया पे तो कई बार लोग फेक वीडियो भी तो बना देते हैं, तो ऐसा भी तो लगा होगा कि हो सकता है नकली वीडियो। तो 7 किलो करा के गए तो मैं उनसे कन्फर्म किए। वो ठीक है क्या? हाँ, वो बिल्कुल बेटर है। तो आपका यहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा? कितना दर्द का ऑपरेशन है एसीएल का? दर्द इतना नहीं है जितना लोग, मतलब जितना आप डर रहे थे उतना दर्द वाली बात नहीं। और खर्चे के मामले में कैसा अस्पताल है, ये सस्ता है महंगा है? अब मैंने कहीं ट्राई नहीं किया, यहीं पहले आई तो। अच्छा। इसके बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी। कोई और लोग हैं जो यूपी पुलिस में कार्यरत हैं और उनको लिगामेंट की दिक्कत आ रही है और उनको समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ पे इलाज कराएं या कौन सी कंपनी का अच्छा रहेगा, तो आप उनको क्या सजेशन दोगे? मैं तो कहूँगी कि अगर अच्छा है तो यहीं आइए, जो लोग करा के गए वो बेटर है हमसे। ठीक है दोस्तों, एसीएल का जो इलाज है इसको लेट करना अच्छी बात नहीं है। अगर आप एसीएल के इलाज को ज़्यादा देर लेट करते हो तो कार्टिलेज खराब होने का और मेनिस्कस का दिक्कत रहता है। तो बिना किसी विलंब के आप नीचे लिखे गए नंबरों पर संपर्क करिए और हम आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है मिथिलेश जी, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन।